आज बनाते हैं मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। तो वड़ा को कोट करने के लिए बैटर तैयार करेंगे। 1.5 कप बेसन, 1 चुटकी अजवाइन, 1/4 टीस्पून सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, मिक्सर से मिक्स करके लंप फ्री स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। बैटर तैयार करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब खर्दा तैयार कर लेंगे। 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियां पीस लेंगे। अब स्पाइसी ग्रीन चटनी थेचा तैयार करते हैं। हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 मुट्ठी ताजा हरा धनिया, 1 नींबू डालकर बारीक पीस लेंगे। पैन गरम करके 2 टेबलस्पून तेल गरम करके 1/4 टीस्पून सरसों, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग डालकर मीडियम फ्लेम पर चटकने दें। फिर खर्दा डालकर अच्छे से मिक्स करें। 4 करी पत्ता डालकर 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिक्स करें। 400 ग्राम उबले हुए मैश्ड आलू डालकर अच्छे से मिक्स करें। बारीक कटा हरा धनिया, 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से 2 मिनट मिक्स करिए। फिर गैस बंद करके ठंडा होने के लिए 1 प्लेट में निकाल लीजिए। अब तेल गरम करके लहसुन में टूथपिक से सुराख करके 5 लहसुन की कलियां छन्ने में डालकर गोल्डन ब्राउन होने दें। अब वड़ा पाव चटनी बनाने के लिए बेसन का चूरा तैयार कर लेंगे। 4-5 हरी मिर्च हाफ कट करके फ्राई कर लेंगे। आलू मिक्सचर ठंडा हो चुका है। आलू मिक्सचर की बॉल्स बनाकर बैटर में अच्छे से कोट करके फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वड़ा पाव चटनी तैयार करेंगे। 1/2 कप चूरा, 5 तली हुई लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक डालकर दरदरा पीस लेंगे। अब पाव हाफ कट करके वड़ा चटनी थेचा एक एक साइड लगाकर अच्छे से स्प्रेड करके वड़ा और फ्राइड चिली रखकर सर्व करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, शेयर करिए और आगे भी बने रहिए योर क्रिएटर्स स्टूडियो के साथ।